नींद भी आ रही हो और लग रहा हो कि अब मैं ऐसे सोऊंगा, तो सोचना पड़ता है कि बगल में सोना सोनू निगम ऐसे खराटे भर के सो रहा था। तो सोच के मुंह ढक कर नाक में क्लिप ना क्यों सोना पड़ता है, कहीं ये ना हो जाए पकड़ा जाऊँ, कोई फोटो ना खींच लिया ऐसे सोता हुआ। फिर जब सोने से पहले एक बातचीत भी होती है, कोई कोई बड़ी इस मतलब खुद रिजर्व होते होते ऐसे मिलते हैं कुछ लोग फिर बातें बातें बहुत करते हैं, कहाँ से हो, कब से हो, क्यों हो, कितने हो, कब तक हो, तो सब बताना पड़ता है। मैं दिल्ली से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, बॉम्बे आया था, मम्मी पापा है, दो बहनें हैं, बताना पड़ता है, क्योंकि नहीं बताएंगे तो मुझे क्या करता है, तो बताना पड़ता है। फिर सवाल पूछते हैं, कोई बहुत इंक्विजिटिव होता है तो पूछता है, वो सोनू जी वो जो पिपासा का और जॉन अब्राहम का चल रहा है क्या दीदी? तो मैं क्या बताऊँ, मुझे कैसे बताऊँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं मतलब वैसे वो सुना वो ऐश्वर्या राय थोड़ा, अरे मेरे को क्या पता, मैं थोड़ी उसका डॉक्टर हो गई। तो मुझे पूछ ऐसे पूछते बताना पड़ता है, मुझे नहीं पता, सॉरी आई डोंट नो, दे माय कलीग्स दे नॉट माय बडीज, आई कांट टेल, मुझे पता नहीं वो क्या करते हैं। अच्छा ये थोड़ा तो पता होगा। तो सवाल फिर कभी कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं, पर जो थोड़े से म्यूजिकली इंक्लाइन होते हैं वो और बातें पूछते हैं, कुछ रागों की बातें या पंडितों की उस्तादों की बातें करते हैं। फिर एक कोई पूछते हैं, सुनो भाई वो गाना कैसे बनता है? तो मैं बताता हूँ कि गाना पहले लिरिक्स लिखते हैं, फिर धुन बनाते हैं, फिर म्यूजिशियंस आते हैं बजाते हैं, फिर सिंगर गाता है, फिर गाना बनता है। ओ अच्छा, पर गाना कैसे बनता है? तो धुन की बात ऐसी आती है। तो मैंने सोचा, उस दिन सोचा मैंने कि इतनी बार तो मुझसे सवाल पूछते, क्यों ना मैं हर प्रोग्राम में हर कॉन्सर्ट में एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूँ कि गाना कैसे बनता है। तो शुड आई गिव यू लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ अ सॉन्ग इज मेड? नॉर्मली मैं ये करता हूँ हर शोज में, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उनको बताओ, जिन उनको उनके लिए नई चीज़ है, क्योंकि ये अलग सी प्रोसेस है। नॉर्मली लिरिक्स लिखते हैं पहले, बोल लिखते हैं, और आज हम अमूम में सोचता हूँ सब्जियों के नाम, सब्जी का नाम बोलिए, आलू, आलू, पालक, किसने बोला पालक, हरी मिर्च, वाह वाह क्या बात है, क्या सब्जी खाई है सुबह से, खाई है या लगाई है? एक मिनट रुकिए, ऐसे तो फिर सब्जियां प्लस हो गए। एक आलू रखते हैं, आलू आप ही बोल दो, मूली, मूली, आलू मूली, गोभी, गोभी चलेगा, गोभी, आलू मूली गोभी, गोभी, अच्छा आप ही बोल दो, मटर पनीर चलेगा? मटर पनीर तो पकी पकाई सब्जी होती है, आप नॉन वेजिटेरियन, अच्छा ये नॉन वेज आदमी, इतना नाम एड्रियन है, ये कॉन्टिनेंटल खाना खाते हैं, चलो मटर पनीर पकी पकाई, आलू मूली या गोभी, गोभी और मटर पनीर, ओके, आलू मूली गोभी मटर पनीर, आलू मूली गोभी मटर पनीर, ये हमारे आज के गाने की लिरिक्स हैं। इंडिया में जो गाने बने उनसे अच्छी लिरिक्स है, बात हो गई, कम से कम पेट तो भरता है, ठीक है। तो ये हमारी लिरिक्स है, अब इसको मीटर पे डालते हैं, मीटर क्या होता है, जस्ट टक 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 टक, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, ये मीटर हो गया गाने का, ये मीटर है। तो आलू मूली गोभी को डालते हैं मीटर पे, 2 3 4, आलू गोभी, आलू मूली गोभी मटर पनीर, आलू मूली गोभी मटर पनीर, ये हो गया मीटर पे डालना, ठीक है मीटर पे डालते हैं। अब इस पे हम धुन बनाते हैं, सुर देंगे जरा एकदम, अब देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा फ्यूजन टाइप बनाएं, इंडियन क्लासिकल से भरा हुआ, तो कैसे बनाएंगे इसमें, आलू मूली गोभी मटर पनीर, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, अगर हीरो पुराने जमाने का है तो ऐसे गाना बनेगा, है ना, और अगर सबका अपना स्टाइल भी होता है, अगर इसको
और लदीप शर्मा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? लदीप शर्मा के गाने कैसे होते हैं? सपोज जैसे उनके थोड़े गाने में ढोलक होती है तो आलू गोभी मूली मटर पनीर, अरे आलू मूली गोभी मटर पनीर, वो पीले का चेहरा वादा लगता है, ऐसे लगेगा ना। लदीप शर्मा के गाना वो भी तो उनका फील ऐसे गाने का। अब इसको अगर अनु मलिक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसकी आलू मूली गोभी क्या हो गया? बड़ा चिल्ला रहे हैं अनु मलिक के नाम पे। आलू 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 मूली गोभी मटर पनीर मटर पनीर तुम तर तुम तर तुम तर तुम तर तुम तर तुम तर तुम तुम तर तुम तर तुम तर